अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है सुमित जैन साहब ने, बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं आओ सर, बिल्कुल, मैं अभी मैं यही सोच रही थी कि आपको नहीं आओ कहने वाली थी। तो सर, आज हम बात करेंगे जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है, आपके यहाँ मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है। खैर, उस पर भी एतराज हो रहा है कि उन्होंने क्यों किया, प्रेसिडेंट को करना चाहिए था, उसके बाद उसकी क्या जरूरत थी और इतना पैसा उस पे लग गया। और लेकिन कुछ तारीफ भी हो रही है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि हर रिलीजन के लोग जो थे वहां पर मौजूद थे, और स्पेशली पाकिस्तान में तो बार बार बताया जा रहा है कि सूरह रहमान जो है उसकी बार बार क्लिप चल रही है कि वो पढ़ा गया। तो सर, आपके ख्याल से ये कोई अगले इलेक्शन आ रहे हैं तो कोई इलेक्शन को लेकर कुछ टैक्टिक्स हैं या इस तरह के, मतलब बिल्डिंग ने बनना ही था पहले से, काफी साल से जाहिर है इसका प्लान किया होगा, एकदम से तो नहीं होता। लेकिन जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं लोग, बहुत से उसके डिजाइन को भी लेकर कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, हर जगह बात हो रही है। आपके ख्याल से क्या इम्पोर्टेंस है इस बिल्डिंग की, और क्या बनाना जरूरी था, या प्रेसिडेंट ने क्यों नहीं किया, मोदी जी जो है उन्होंने अपने आप को क्यों सामने रखा? आरजू जी, देखिए, आपको मैंने लास्ट टाइम बोला था, ये सास बहू की लड़ाई है ऑपोजिशन गवर्नमेंट की। ये चलती रहेगी, इसके ऊपर इतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज ऑपोजिशन का काम है अपोज करना। गवर्नमेंट कोई भी काम करेगी, वो बेशक अच्छाई का हो, बुराई का हो, कुछ भी हो, उन्होंने अपोज ही करना है। नाउ नॉट लेट्स नॉट गो इनटू व्हाई दे आर डूइंग इट। यस, 24 की इलेक्शंस आ रहे हैं, उन्होंने एक, जैसे बोलते हैं ना पंजाबी में, घमसान क्रिएट करना है, तो उनका काम है घमसान क्रिएट करने का। तभी उनकी कुछ इंपॉर्टेंस बनेगी, उन्हें भी एक फ्री का एयर टाइम चाहिए। वो अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो एयर टाइम कैसे मिलेगा? और फिर जो न्यूज चैनल्स है उनको भी मुद्दा कैसे मिलेगा डिबेट्स करवाने का? और यू नो, 24 घंटे के न्यूज चैनल्स है, दे नीड समथिंग। सो इट इज फॉर ऑप्टिक्स, नथिंग एल्स। नो, एज फार एज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बिल्डिंग इज कंसर्न, आरजू जी, इंडिया इज ओल्डेस्ट एंड लिटरली द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हम अगर इतनी पुरानी हिरासत है हमारी एक डेमोक्रेसी की, और हम कहाँ से डेमोक्रेसी को चला रहे हैं? 100 साल पुरानी बिल्डिंग जो कि गोरों ने बनाई, डिजाइन करी, बल्कि किसी और की बिल्डिंग में हम बैठकर अपनी डेमोक्रेसी को चला रहे हैं विद ओल्ड 80-year-old सिस्टम्स। उसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, उसके अंदर को टेक्नोलॉजी के इश्यूज हैं, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं, भाई कुछ भी नया नहीं है। तो विद दैट काइंड ऑफ सिस्टम यू कैन नॉट रन द शो। और ये जो पार्लियामेंट था, ये 500-600 जो मिलियन थे, 60 करोड़ लोगों के लिए, इट वॉज ओके। आज हम 140 करोड़ हैं, पार्लियामेंट का साइज वही है, तो नंबर ऑफ एमपी को इंक्रीज करना हम कर नहीं पा रहे। सो यू वी नीडेड अ न्यू पार्लियामेंट, टू रीजन के कारण। एक, अब जो हिंदुस्तान ने रफ्तार पकड़ी है एंड डायरेक्शन पकड़ी है, मेड इन इंडिया भी, हमें पहली बात तो ये कि अपनी चीजों पे गर्व होना चाहिए, ना कि बाहर की चीजों पर। जैसे पाकिस्तान में आप देखिए, हर चीज इंपोर्टेड होती है, आपके वहां पे शौक है, इवन तो अगर आप 200% भी इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर देंगे, वो मेड इन पाकिस्तान को नहीं लेते, मेड इन यूएसए को ले लेंगे, या इवन मेड इन चाइना ले लेंगे। मेड इन पाकिस्तान का रिवाज नहीं है। इंडिया के अंदर भी पहले ये हाल था, कांग्रेस के टाइम पर वही सेम पॉलिसी थी कि फॉरेन के प्रोडक्ट्स को बुलाइए, एंड पीपल यूज टू लाइक इट, दे यूज टू प्रमोट ऑल्सो। मोदी जी ने आकर उस चीज को चेंज कर दिया, नहीं, विच शुड बी मेड इन इंडिया। तो पार्लियामेंट भी जो है मेड इन इंडिया होना चाहिए, मेड बाई इंडियंस फॉर इंडियंस, एंड उसके अंदर जो एमपी सब सारे बैठकर वो चीजें करेंगे जो हिंदुस्तान को करनी है। व्हाई शुड वी वर्क इन अ ओल्ड सिस्टम? उसके अंदर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस हैं, लेटेस्ट सिस्टम्स लगे हुए हैं, सो एवरीथिंग इज देयर। सेकेंडली, इंडिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है अगले 25 साल के लिए कि हम रेलिवेंट होना चाहते हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। आरजू जी, आपने नोट किया होगा, आज की डेट में दो कंट्रीज की लड़ाई चल रही है डोमिनेंस को लेकर, एक चाइना, एक है इंडिया। अमेरिका इसलिए शांत बैठा हुआ है कि मैं तो डोमिनेटिंग फैक्टर हुई दुनिया के अंदर, चाइना भी आज की डेट में लगा हुआ है कि किसी तरीके से उसकी एक डोमिनेंस
या एक्सेप्टेंस पूरे वर्ल्ड में हो, वर्ल्ड स्टेज पे उसे देखा जाए, इंडिया भी उस चीज को लेने की कोशिश कर रहा है. व्हाई? बिकॉज वी बोथ सी कि अमेरिका की जो पावर है वो कम होती जा रही है, उसका जो एक पकड़ थी पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिकली वो कम हो रही है. अब जो वो वैक्यूम है वो और कौन फिल कर सकता है? आइदर इट विल बी चाइना और इंडिया, और इंडिया उस स्पेस को लेने की कोशिश भी कर रहा है. नाउ अगर हम उस स्पेस को ले रहे हैं, फिर हम 25 साल की एक रोड मैप लेके चल रहे हैं कि भाई हमने एक डेवलप्ड कंट्री बनना है 25 साल में, तो उसके हिसाब से हमें अपना पार्लियामेंट, जो एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसको हम एक शोकेस कर सकते हैं दुनिया को, हमने उसको क्रिएट किया, इसकी जरूरत थी. सेकेंडली, अगर आप हमारे पार्लियामेंट का जो फर्स्ट सीन है वो देखेंगे, जैसे जब जो कोई भी वीडियो देखते हैं, आपको ऐसा लगता है यूनाइटेड नेशंस का कोई ऑफिस हो. इट लुक्स लाइक अ यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग, इट डजंट लुक लाइक अ इंडियन पार्लियामेंट ओनली. तो आप प्लीज वो देखिए कि हम इमेज क्या दे रहे हैं. चाइना का भी एक यहाँ पर एक जो है पूरा, जो जहाँ पर सीसीपी, जिसको हम कम्युनिस्ट पार्टी का जो कमेटी का एक मीटिंग होता है, वो पूरा लाल रंग का है, चाइनीज झंडे लगे हैं. आपको लगता है कि अब चाइनीज जो है एक कंट्री में उनके एक सिस्टम में आए हैं, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट आपको इमेज देता है कि जैसे आप वर्ल्ड स्टेज पर आए हैं. सो वी आर नॉट, आई थिंक समवेयर एक आइडिया है कि वी आर नाउ रेडी टू होस्ट अदर कंट्रीज टू कम हेयर एंड डिलीवर वॉट यू वॉन्ट टू डिलीवर. इट इज नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द स्टेज, फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो. सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट लेवल. पुराने पार्लियामेंट में वो चीजें पॉसिबल नहीं थी. ठीक है. सो तो एज फार एज इम्पोर्टेंस इज कंसर्न्ड, इट वॉज ह्यूजली इम्पोर्टेंट फॉर अस फॉर शोकेसिंग दैट वी हैव अराइव्ड ऑन द इंटरनेशनल स्टेज. वी आर प्रिपेयरिंग अवर सेल्स, वी आर रेडी, अवर डोर्स आर ओपन, एक्सेप्ट इट एंड एक्सेप्ट अस. सो वेन इट कम्स टू, आपने बोला कि इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस समझा दिया आपको. ऑपोजिशन क्या कर रही है, उनका काम है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है. मैंने ट्वीट भी किया इसके ऊपर कि वो कॉफिन दिखा रहे हैं कि इसकी जो शेप है वो कॉफिन की तरह है. तो मैंने क्या बोला कि वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये कॉफिन की शेप में है, क्योंकि इस बिल्डिंग के बाद उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो उस कॉफिन में जाने वाला है, और उसकी कील वो खुद ठोक रहे हैं उसके ऊपर. सो एंड सेकेंडली, एज फार एज दिस बिल्डिंग इज कंसर्न, इट्स अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग. मैं दिल्ली जाकर आया था, उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी अभी, आई सॉ इट, एंड उसका पूरा नक्शा लगा हुआ है वहां पर. इट्स अ ब्यूटिफुल, वास्तु कंप्लायंट है वो बिल्डिंग. और हमारे यहाँ पर वास्तु जिसको बोलते हैं, जैसे चाइनीज में फंक्शन बोलते हैं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर कल्चर. और मोदी जी एक हिंदू है, ही फॉलोज हिंदुइज्म, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू. सो ही हैज शोकेस्ड कि भाई पूरी एनर्जी का ध्यान दिया जाए, सनलाइट पूरी आनी चाहिए, हवा पानी ठीक होना चाहिए. ही इज टेकन केयर ऑफ ऑल द फाइव एलिमेंट्स जिसके ऊपर हिंदुइज्म बेस्ड है. तो उस सभी एलिमेंट्स का ध्यान रखा गया है. इट इज समथिंग विच इज शोकेस ऑफ अवर हिंदू कल्चर. बिल्कुल ठीक. लेकिन सर एक चीज और मैं यहाँ आपसे समझना चाहूंगी, बहुत से लोगों ने मुझे कहा भी है कि मतलब इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, कि बहुत बहुत ज्यादा इंडियंस जो हैं वो पूरी दुनिया में कहीं आईटी एक्सपर्ट्स हैं, कहीं आप लोगों ने सीईओ लगा दिए, मतलब बहुत टेंशन वाले काम करते हैं, इसीलिए आप लोग हैप्पी इंडेक्स में हमसे कम है. हम लोग कोई सर इतनी टेंशन लेते नहीं, हमें सिर्फ लोन ही लेना होता है, एक ही काम इधर से पकड़ा उधर से पकड़ा, तो सर वो हम लोग हैप्पी इंडेक्स में काफी ऊपर है आपसे, चेक कर लीजिएगा. मैं सही बता रही हूँ, तो आप लोग टेंशन की वजह से ऐसा है. लेकिन सर आपके ख्याल से क्या चीज जो है वो आप लोगों ने ऐसी की है, एजुकेशन फील्ड है या क्या बात है कि जिसकी वजह से इंडियंस इतने आगे तक गए हैं, स्पेशली डिफरेंट फील्ड्स में? तो आपके, क्योंकि वी वॉन्ट कि हमारे लोग भी थोड़ा सीखें और हम भी कुछ कोशिश करें. जी हर्षद जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने, एंड आई रियली वॉन्टेड सम यू नो इंटेलिजेंट पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान टू रियली थिंक कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फर्क क्या है. बट आई हैव ऑब्जेक्शन इन योर क्वेश्चन ऑल्सो, क्योंकि आपने बोला कि आपने हर जगह पे अपने बंदे लगवा दिए हैं. भाई हम सिलेक्ट नहीं करवाते, हम इलेक्ट करवाते हैं. देयर इज अ डिफरेंस. वो अपनी काबिलियत से लगे, हमने लगवाई नहीं है, पहली बात ये. एंड अगर वो लगवाए गए हैं तो इसमें मोदी जी का हाथ नहीं है. ये हमारी जो पॉलिसीज है राइट फ्रॉम 1947 वहां से शुरू होती हैं. एंड सेकेंडली कुछ शायद एक सेकंड सर, मैं ये नहीं कह रही कि आपने लगवा दिया, आई मीन के जाहिर है वो अपनी काबिलियत की वजह से गए हैं, अपनी क्वालिटीज की वजह से गए ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी हर जगह पर है सर, चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो,
चाहे आप कहीं भी, आपने तो वर्ल्ड बैंक तक में लगा दिया सर, मतलब हमें लोन मिलने में वैसे इतना प्रॉब्लम लगा हुआ है, अब हम खाना मार देंगे कि इंडियंस नहीं दे रहे। IMF के अंदर भी जो टॉप लेडी है उसके नीचे सेकंड है, वो भी इंडियन है, गोपीनाथ जी जैसे उनका नाम है। सो बट आई वांट टू कम बैक टू द पॉइंट दैट एक तो इंडियन कल्चर जो है, जो भारतीय कल्चर हम बोलते हैं, भी अगर देखेंगे, अगर हम मुझे पूछे, मेरे पेरेंट्स ने बचपन से एक ही चीज बोली है, भाई पढ़ो, मेहनत करो और तरक्की करो लाइफ में। तीन ही चीजें पढ़ाई गई पूरी लाइफ। भाई आज इतनी एज के अंदर भी मेरी माँ मुझे अभी भी पूछती है क्या पढ़ाई करी। दैट मीन्स द एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट, इवन दो वी आर वेल सेटल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम काम करते हैं, टॉप मैनेजमेंट में काम है, फिर भी उनका होता है तरक्की और कितनी करी, और कितनी पढ़ाई करी, अब नया क्या सीख रहे हो। दैट मीन्स दैट लर्निंग साइकिल हमारे कल्चर में कभी खत्म होता ही नहीं है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग साइकिल। एंड वी इन इंडियंस फील वी आर, जिसको बोलते हैं कि वी आर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ। बाकी कंट्रीज के अंदर होता है आपने एक डिग्री कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया तो काम खत्म, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हमें डिग्री मिल गई है, नॉट टू स्टडी। हमारे यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है। सो अगर हमारे लोग बाहर जाकर सीईओज बनते हैं, और आप नोट कीजिए उस डूबती हुई कंपनीज में जहां पर सीईओ लगता है हमारी कंपनी का, वो कंपनी भी तर जाती है, बिकॉज वी आर फुल ऑफ एजुकेशन एक्सपीरियंसेस, वर्कड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी आर ओपन माइंडेड ऑल्सो, एक क्लोज बंद गली में चलने वाले नहीं है। या एक जैसे आपके यहाँ पे मदरसे हैं, मदरसों में इतने लोग निकलते हैं, वो क्या पढ़ते हैं वहां पर, एक बुक, एक जो आपकी किताब है उसके अंदर क्या लिखा है, उसकी इंटरप्रिटेशन हजारों तरह की हैं। सो अगर 100 मदरसों से भी बच्चे पढ़ के आ रहे होंगे, उनकी भी आपस में ख्यालात मिलते नहीं होंगे, बिकॉज इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है सबकी। सो बट हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स दे आर स्टडिंग समथिंग इन अ वेरी क्लोज स्ट्रीट, बहुत बहुत गंद बंद गली में से उनको निकाला जाता है। हमारे यहाँ पे बहुत ब्रॉड है, हमारे यहाँ पे क्वेश्चनिंग की हमें हमें प्रमोट किया जाता है कि आप क्वेश्चंस करो टीचर्स के साथ। हम तो उनकी वाट लगा के रखते हैं टीचर्स की, भी उनको भी पढ़ के आना पड़ता है कि इतने ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं कि दे हैव टू स्टडी टू टीच अस ऑल्सो। फिर हमारे पास जो बिल्कुल इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर आप देखिए, हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, IIT, पूरी दुनिया में इनका जो वर्चस्व है वो माना हुआ है। एंड एंड बिलीव मी, चाइना के अंदर भी धूम है, जबकि चाइनीज किसी और की चीज को कभी भी एक्सप्रिशिएट नहीं करते, बट यहाँ पर भी इनके, यहाँ पर मेरी मेरी जो वाइफ है, शी इज अ चाइनीज, शी कीप्स ऑन सेइंग कि मुझे IIT जाके देखना है कि भाई ऐसा क्या है कि आपका दिमाग कैसे चलता है कि यू आर लीडिंग द वर्ल्ड। और चाइनीज, आपने कभी सुना है कि चाइनीज पूरे वर्ल्ड में कहीं सीईओ लगाओ, या सेकंड नहीं मैनेजमेंट, थर्ड मैनेजमेंट, फोर्थ मैनेजमेंट, कहीं नहीं, हमेशा लोअर मैनेजमेंट में काम करेंगे, बिकॉज इनके यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है टू ओपन योर माइंड। तो ये चीज है जिसके कारण इंडियंस पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। वी आर वेरी ओपन माइंडेड पीपल, वी आर प्रोग्रेसिव, वी आर ऑलवेज लुकिंग कि हमने कैसे प्रोग्रेस करनी है लाइफ में, कैसे तरक्की करनी है अपने लिए, पहले तो है अपनी तरक्की, मी फर्स्ट, देन उसके बाद मेरी कम्युनिटी, मेरी फैमिली, फिर कंट्री ऑल्सो। सो वी हैव दैट कॉन्सेप्ट। सो एक धारा मेरा सिर्फ अपने लिए, मेरी फैमिली के लिए नहीं है, कंट्री के लिए भी है। तो अगर मैं यहां पर भी बैठा हूं, मैं अगर अपनी लाइफ में तरक्की कर रहा हूं, तो भी मैं सोचता हूं कि मेरी कंट्री के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, कि मेरी कंट्री कैसे राइज कर सकती है, बेशक वो मैं उसकी इज्जत कैसे बढ़ा सकता हूं, उसमें बिजनेस कैसे बढ़ा सकता हूं, उसमें इन्वेस्टमेंट्स कैसे लेके आ सकता हूं। आई डू दोस थिंग्स, मैं बहुत इन्वेस्टमेंट्स चाइना से इंडिया लेके आता हूँ। सो सेकेंडली, आई एम ब्रांड एम्बेसडर। हम ये सोचते हैं कि अगर हम हिंदुस्तान से बाहर बैठे हैं तो वी आर रिप्रेजेंटेटिव, वी आर लाइक अ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री, हु आर रिप्रेजेंटिंग दिस कंट्री, अवर कंट्री आउटसाइड ऑल्सो। सो अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो ये लोग हमारे लिए क्या सोचेंगे। जैसे मैंने आपको बोला, पाकिस्तान के लोग हैं, मुझे बताना नहीं चाहिए आपको, बट उनकी रेपुटेशन इतनी खराब है यहाँ पर, बिकॉज वो यहाँ आते हैं, यहाँ पर भी पढ़े लिखे होते नहीं ज्यादा, दे आर लाइक दे आते हैं ट्रेडिंग करने आए, उसमें भी धोखाधारी करेंगे। एंड लोकल लोगों को वो कुरान का पूरा पाठ कि कितनी देखो कितनी असीम ये कौम है हमारी, और हमारा जो ये क्या बोलते हैं आप, रिलीजन को क्या बोलते हैं आप, सर रिलीजन को मजहब, रिलीजन ही बोलते हैं। हाँ मजहब, सर मजहब, मजहब जो है ये कितना कितना असीम हमारा वो है, नंबर 1 ये रिलीजन है वर्ल्ड का, प्यार की मोहब्बत का ये रिलीजन है। तो इनको भी फंसाने की कोशिश करते हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ना। कहीं इस मेंटेलिटी को जब तक पाकिस्तान के लोग चेंज नहीं करेंगे,
ये मदरसा जो जो आपने कॉन्सेप्ट खड़ा किया है, शायद मुशर्रफ के टाइम पर शुरू किया था, ये एक नासूर बन चुका है जो आपको अंदर से अंदर खोखला कर रहा है। देर इज नथिंग एल्स। देखिए नहीं, आई बिकॉज थिंक सर मुशर्रफ से भी पहले के हैं, सर उससे उसके भी पहले पहले से के होगा तो, हैं, के टाइम से होंगे। हक के टाइम से। बट लुक, दिस इज नॉट द डायरेक्शन इन विच आपकी कंट्री तरक्की कर सकती है। अगर आप पूछते हैं कि हमारे लोग सीईओ क्यों लग रहे हैं, एक मदरसा से निकला हुआ आदमी सीईओ नहीं लग सकता, ये आप भी जानते हैं। वो सोसाइटी में थोड़ा बहुत काम कर लेगा, कहीं प्लम्बरिंग का काम कर लेगा या लेबर का काम कर लेगा, और नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा उसको, तो ही विल बी ओपन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन जैसे आप कहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स, वो वहां पर उनको यूज किया जाता है फिर अगेंस्ट सम कंट्रीज, अपनी कम्युनिटी के अंदर। नहीं और कुछ नहीं होगा तो पॉलिटिकल वो एक्टिविस्ट बन जाएगा और वो कोर कमांडर का घर जाके जला देगा। और कोर कमांडर भाग जाएगा। नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि सब लोग तो सर मदरसे में से नहीं आ रहे ना, ठीक है बहुत लोग आ रहे हैं लेकिन सब लोग नहीं आ रहे, लेकिन जो नहीं आ रहे मदरसे से वो भी तो कहीं नहीं हमें नजर आ रहे इतने प्रोमिनेंट तरीके देखिए से। आपके कंट्री में जो अच्छे स्कूलों से निकलते हैं वो पॉलिटिशियन लग जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर लग जाते हैं या आर्मी में चले जाते हैं। बिकॉज इफ यू रियली लुक एट इट, यू आर नॉट क्रिएटिंग अ ब्रीड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। हमारे यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा प्रमोट की जाती है। भैया बिलीव कीजिए, हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक पूंजी पूरे लाइफ उन्होंने जोड़ के रखी मेरे हमारी एजुकेशन के लिए, इवन बिजनेस के लिए भी, कि अगर हमारे बच्चे ने कल को पढ़ के कुछ अपना करना है तो वो खुद भी कर सकता है, तो वी शुड हैव दैट कैपिटल विद अस। सो ये कॉन्सेप्ट जो है पेरेंट्स सपोर्टिंग द किड्स फॉर देयर बेटरमेंट, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आज जितने स्टार्टअप्स हैं, आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर इतने स्टार्टअप्स लगते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारे सक्सेसफुल है, बट एक कंसेप्ट तो है कि मुझे अपना कुछ शुरू करना है, मुझे अपने कंट्री को एक कुछ कुछ R&D करनी है, कुछ रिसर्च करनी है, कुछ नया निकालना है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास ये नहीं होता कि भाई मुझे आर्मी में लगना है और वहां भी जाके लूटना है या मुझे पॉलिटिशियन बनना है। तो ये कंसेप्ट बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सो ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मदरसे वाले जो है सारी कंट्री मदरसा से निकल रही है, अच्छे स्कूलों से भी निकलते हैं, बट वॉट इज देयर कॉन्सेप्ट कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लगनी है, वो बेशक चपरासी हो। भी आपके कंट्री में तो चपरासी के भी खातों में अरबों रुपए निकलते हैं। सर क्या करें, अब पैसा इतना है कहाँ कहाँ रखे सर, तो चपरासियों के अकाउंट में भी डाल देते हैं। इससे देखिए सर कि पब्लिक के पास पैसा कितना है, आप ये सिर्फ सोचिए। आपके यहाँ कभी ऐसा हमने नहीं सुना। लेकिन सर अगर इसी चीज को जाहिर है कि बहुत से लोग कह रहे थे और मैंने कहा इसको समझना चाहिए कि किस तरह से हम इस फील्ड में आगे जा सकते हैं, तभी इकोनॉमी भी तभी संभलेगी जब लोग जो है वो एजुकेशन की तरफ जो है थोड़ा ध्यान देंगे, और एजुकेशन सिस्टम को भी ठीक होना पड़ेगा। ये नहीं कि हमारे यहाँ जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं चाहे वो हिस्ट्री की बुक्स हो, सर हम तो मतलब हमारे टाइम पे जो हमारे स्कूल टाइम था सर, उस वक्त तक तो हम सारी जंगे जीते हुए थे इंडिया से, वो तो हमें अभी पता चला है कि हम नहीं जीते, वरना उससे पहले तो हमने सब जीते, सारी जंगे जो थी ना वो हमने जीती हुई थी और सारे अटैक इंडिया की तरफ से हुए थे। लेकिन अब सर देखिए एकदम उल्टी कहानी हो गई है। आज की दुनिया में जंग एक ही है, वो है पैसे की जंग। आज जिसकी जेब में पैसा वो पहलवान, बिल्कुल जिसके घर में दाने उसके गधे भी सयाने बोलते हैं ना हमारे यहाँ पर। तो आज ये जो सारी दुनिया है अब ये पैसे के पीछे है। सो अगर आपके पास पैसे हैं तो आपने सारी जंगे जीत ली, अगर पैसे नहीं है, आज आपके पास पैसे नहीं है तो आप जंगे भी हार गए, और आपका प्रधानमंत्री भी जाकर बोलता है बाहर भी, शहबाज शरीफ इज द वन, उसने बोला हमने जंगे देख के देख ली, हम हार के देख लिया, हमने अपनी बर्बादी कर ली, अब हम जंग नहीं करना चाहते, वी वॉन्ट टू हैव गुड रिलेशन विद इंडिया। ठीक है, तो अब आपके अंदर से भी वो आवाजें निकल रही हैं कि हम गलत सोचते रहे, हमारी पॉलिसीज गलत थी, बिकॉज पैसा नहीं है। भी जैसे ही पैसा आता है आपकी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। सो दैट मीन्स मनी इज इंपॉर्टेंट। तो फोकस इकोनॉमी पे होना चाहिए, ना कि लड़ाई पर। भाई कश्मीर आपने लेने की कोशिश करी, एंड सेकेंडली मुझे कई बार पाकिस्तान वाले बोलते हैं आप भी ले नहीं पाए, हम भी ले नहीं पाए। आई सेड सॉरी, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हिंदुस्तान 47 में भी ले सकता था, हमने सीज फायर किया, जीतती हुई फौज कभी भी सीज फायर नहीं करती, बट हमने किया कि मिट्टी डालो, जो आपके पास आप रखो हम ले लेते हैं, लेट्स मूव ऑन। बिकॉज हमारी पॉलिसी हमेशा रही है मूव ऑन और तरक्की करें। हम अपनी कंट्री को तरक्की कैसे करा सकते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ DNA। सो लेट अस सी
जो आपका सर क्वेश्चन है डीएनए दैट तो इज, एक ही है, सर डीएनए तो एक ही है सर, हम भी तो वहीं से आए थे। देखिए एनीवेज मैं अब डीएनए की बात नहीं करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये किसी और डायरेक्शन में क्यों चले जाएगा, लेट्स नॉट कह टॉक सकते अबाउट दैट डीएनए थिंग। तो सर, आप मना नहीं कर सकते, वो तो एक ही है ये। और बाकी कल भी चलिए मेरी एक मेरे गेस्ट से उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा सोचे अगर 1947 ना हुआ होता तो मैंने कहा सब लोग वहां होते और हमने इंडिया का क्या हाल किया होता, तो वो कह रहे थे बिल्कुल सही, मैंने आई कहा एक्सेप्ट अपनी तो जान बच गई। बिल्कुल इस क्वेश्चन के ऊपर, आई एक्सेप्ट एंड आई सरेंडर कि ठीक। तो सर लास्ट में हम जी बेहतर हो गया। जो हुआ इट वाज मे बी इट वाज गुड फॉर बोथ साइड्स। देखिए एक धर्म के ऊपर के बिना पर आपने एक कंट्री अलग किया कि हमें अपना अलग कंट्री चाहिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अपना देश चाहिए जहां पर हम अपनी चलाएंगे। हम आपने अपनी चलाकर देख ली, हमने अपनी चलाकर देखी, एंड हु इज एंड इन सक्सेस एंड हु इज अ फेलियर इट इज इन फ्रंट ऑफ अस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एंड सेकेंडली देखिए इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम एंड हिंदू, इट्स अबाउट अ पॉलिसी, इट्स अबाउट अ डायरेक्शन। हमने मुगलों के टाइम पर भी एक चीज देखी है कि जो राजा था उसके बेटे ने ही अपने फादर को मारा और गद्दी पे आ गया, ये हमने मुगलों में भी देखा है, उसके पीछे भी हमने इवन मिडल ईस्ट के अंदर भी हमने हमेशा ये स्टोरीज पढ़ी हैं और रियलिटी भी है। अभी भी पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जो राजा बनता है, जो प्रधानमंत्री बन गया, ऑपोजिशन भी उसको घेरने की कोशिश करती है, आर्मी भी घेरने की कोशिश कर रही है, एंड नया आदमी ऊपर बैठने की कोशिश करता है। आपने हिंदुस्तान में ये चीज नहीं देखी है, हमारा कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे नहीं घेरा जाता, वो अपने टर्म पूरे करते हैं, दोबारा लड़ते हैं, लोग निकालते हैं उनको। बिल्कुल सो व्हेन यू से डीएनए सेम है, तो फिर वो चीज जो पाकिस्तान में अब तक हुई है कि आपका एक भी प्रधानमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया, बट हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, इट्स अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम से है, कहने को आपके पास भी डेमोक्रेसी है, बट डीएनए में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खोट है, वो बेशक लालच के कारण हुआ हो या जोर जबरदस्ती से डीएनए चेंज किया हो, आई डोंट नो व्हाट इज हैपेंड, बट समथिंग हैज हैपेंड ओवर द इयर्स। एक ग्रूमिंग होती है, एक कम्युनिटी जो है, हर कम्युनिटी में जैसे हमारे यहाँ पर है पंजाबी हैं, जो पंजाबियों की ग्रूमिंग ही डिफरेंट है, जो सिख बिल्कुल कम्युनिटी है उनकी ग्रूमिंग डिफरेंट है। सिख जो है हमारे भाई वो एक फाइटर कॉम है, उन्हें खड़ा किया गया था फ्रॉम हिंदूज भी, हर एक फैमिली का जो बड़ा बेटा था उसे सिख बनाया गया कि तू हमारा सरदार है एंड मुगलों के जुल्मों से हमें आजाद तू करवाएगा, तू वो फाइटर कौम है, वो आज भी उनके अंदर वो लड़ने का जज्बा है, इसलिए जो हमारी फौज है उसके अंदर आज भी मैक्सिमम आपको सिख मिलेंगे। तो हर एक कम्युनिटी जो है उसकी ग्रूमिंग डिफरेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए सेम होगा बट ग्रूमिंग का क्या करें, और ऊपर से जो 75 सालों से आपकी ग्रूमिंग की गई है भी, देखिए एक होता है मजहब के बेसिस पे आपने कंट्री को अलग किया, एक होता है नफरत पे आपने अलग किया, दोनों में फर्क है। आपने अलग किया नफरत के बेसिस पे, हिंदू हेट्रेड, हिंदुओं के साथ हम रह नहीं सकते एंड ये हमें खा जाएंगे। सो जब आप नफरत पे किसी चीज को, इमारत को खड़ा करने की कोशिश करेंगे, इट्स जस्ट लाइक ढेर, एक रेत के ढेर के ऊपर आप बिल्डिंग को बनाने की कोशिश करेंगे वो ढहेगी, जस्ट लाइक पाकिस्तान की जो ये पीटीआई है पे, इमरान खान जैसे आप और मैं बात करें और इमरान खान का जिक्र ना, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल सर, ऐसा तो है। तो इमरान खान को देखिए आप कि उसकी जो पूरी की पूरी रियासत जो उसने खड़ी करी आपने, रेत जो इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन लाइस भी, वो 35 पंचर से शुरू हुआ था, सबसे बड़ा झूठ था उसका, जहां से उसने पूरी अपनी मुहिम शुरू करी वो नजम सेठी के अगेंस्ट, इट वॉज अ पैक ऑफ लाइस, वहां से शुरू करते करते ये आदमी इतना नीचे गिरता गया झूठ बोलने में कि उसने सारी हदें पार कर दी। जब आप झूठ के बेसिस पे करेंगे तो आपकी जो साथी हैं वो भी पत्तों की तरह गिरेंगे, जैसे आज की डेट में गिर रहे हैं। देखिए बिल्कुल हमने नवाज शरीफ का भी टाइम देखा है, उसके उसको भी जेल में डाला गया, उसके लोगों को जेल में डाला गया, हमने पीपी के भी के टाइम भी देखा हुआ है कि उनके लोग जेलों में गए, लेकिन ऐसे आपको क्या लगता है उनके ऊपर ऐसे एट्रोसिटीज नहीं की गई होंगी, जो कुछ अगर ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर जी जोर जबरदस्ती जबरदस्ती की जा रही है, उनके ऊपर भी की गई होगी, लेकिन वो ऐसे छोड़कर नहीं गए, अल्टीमेटली उन्होंने जेल नहीं छोड़ी, ये तो 4 दिन में बाहर निकल के बोलते हैं ये हमसे गलती होगी, 9 मई को जो हुआ उसकी हाँ जबत करते बिल्कुल हैं और हम पीटीआई को छोड़ रहे हैं, सेम स्टेटमेंट।
बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन लाइज. जब आप किसी चीज को झूठ के बेसिस पर खड़ा करेंगे वो गिरेगी ही गिरेगी एक दिन. तो वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है. आपको कहीं ना कहीं अपने लोगों को सच बताना पड़ेगा, सही तालीम देनी पड़ेगी, तभी आप तरक्की कर सकते हो. भाई आपको देखिए, आज का टाइम तरक्की करने का एक ही तरीका है, आपको आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी. आपको दुनिया गोल है ये दुनिया को बताना पड़ेगा, ये दुनिया फ्लैट नहीं है. आज अभी भी वो फ्लैट दुनिया पे रह रहे हैं, दुनिया गोल पर चली गई है, आपका मुकाबला कैसे होगा? हाउ विल यू जेल बिल्कुल अराउंड विद पीपल? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? सो अगर आपने पढ़ाई लिखाई, इट इज अ ग्रास रूट लेवल पर चेंजेस चाहिए. पाकिस्तान को अगर आपने उठाना है, आपको ग्रास रूट लेवल पर पढ़ाई पर तवज्जो देना है, आपको इंडस्ट्रीज लगानी है, आपको बाहर की इन्वेस्टमेंट्स लेके आनी है. कैसे लेके आएंगे भाई? आपका तो 36 का आंकड़ा सभी के साथ है. ईरान से आपकी नहीं बनती, अफगानिस्तान से बनती नहीं है, हमारे से बनती नहीं है, चाइना से बनती है, क्योंकि पैसे दे रहे हैं. जिस दिन पाकिस्तान, चाइना ने पैसे देने से इनकार कर दिया, आपने बोलना है हम जी न्यूक्लियर बॉम्ब भेज रहे हैं आपके ऊपर. भाई नहीं आप सर, ये तो सर सभी के जो भी मतलब थोड़े से भी सेंसेबल पाकिस्तानी है वो तो यही बात करते हैं कि जिस जिसका भी बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, अफगानिस्तान, ईरान, सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की जरूरत है, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। बट हाउ विल यू डू इट? जब बेस में नफरत है, बेस में ये है कि हम नंबर वन है, बाकी सब भी मैं आगे आगे, बाकी सब थले थले, ऐसे नहीं चलता. भी आई एम नंबर वन, बाकी सब जीरो. भी आप किसी को नंबर टू भी नहीं समझते. आप कहते हैं सही मैं नंबर वन, बाकी जीरो. मैं कि लाइन मेरे से शुरू होती है, मेरे पे खत्म होती है. ये तो अमिताभ बच्चन वाला रोल हो गया कि बिल्कुल जहां हम सर, खड़े लाइन वहीं से शुरू होती है. ऐसा नहीं होता है ना. सो ये चीजें जब तक आप देखिए, ये पार्ट ऑफ एजुकेशन है, ये पार्ट ऑफ कल्चर है, ये पार्ट ऑफ रॉन्ग डीएनए है जो अब अंदर इतना डीप चला गया है, उसको रिवर्सल करने में 20-30 साल लगेंगे आपको. ये बहुत मेहनत करने का एक मुद्दा है, इट्स नॉट समथिंग सिंपल. हो सकता है कि कोई समझदार एक आदमी जो पाकिस्तान का हो वो आकर इसको चेंज करने की कोशिश करे, तभी कुछ हो सकता है. ये इमरान खान जैसे जोकर्स चेंज नहीं कर सकते. आपने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, ही इज अ जोकर, ही इज अ जीरो लिटरली. और हमने भी पैसे इसलिए लगाए थे इसके ऊपर, वी वांटेड अ जीरो लाइक हिम. ये पाकिस्तान का बट्टा बैठा है. और ये जो प्रॉब्लम हमें बार बार तंग करती है, वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए. तो मोदी जी ने ऐसे पैसे नहीं दिए इमरान खान को. सर अगर इमरान खान पावर में आ गए ना तो आपके लिए सुपारी नहीं पूरा पान खाएंगे, क्योंकि आप हमारे पास हर भी मोदी जी, बार में हमारे पास भी मोदी जी हैं, वो दोबारा पैसे दे देंगे उनको. हाँ कैसा, हमें किसी तरीके से भी मिले पैसा, पैसा होता है तो कहीं से भी आए वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन सर बिल्कुल आपने आज जो बातें किया है, होप कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं सिस्टम को चेंज करने में, वो जरूर इससे जो है वो थोड़ा सा कोशिश करें कि हमारे लोग भी जो है वो एजुकेशन में और उसमें आगे जाएं फील्ड में, और थोड़ा कंपटीशन देना ही है अगर भारत को तो इस तरह की जगहों पे दे, बजाय इसके कि वो हम लोग हाँ लड़ भड़ के, है ना सर, वो ज्यादा साधु अच्छा जी, आई रहेगा। एम अ कॉर्पोरेट गाई, मेरा काम है डूबती हुई कंपनीज को राइज करवाना, और मैं उनको इतनी जल्दी ग्रो करवाता हूँ. आई कैन ऑफर माई सर्विसेज टू पाकिस्तान फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड बिकॉज वैसे भी आपके वहां पर कोई भी जो पाकिस्तान में जन्मा हुआ है उसको तो वो लेते नहीं है, सारे फॉरन से बाहर से बुलाकर वो लेके आते हैं. आई एम रेडी टू ऑफर माई सर्विसेज टू यू, बिकॉज लिटरली स्पीकिंग, अगर पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं स्टेबल होकर तरक्की करेगा, हो सकता है वहां पर भी आए कि हमने तरक्की करनी है. यू शुड हैव दैट थिंग कि हमने तरक्की करनी है, ये नहीं कि हमने यहाँ से लोन लेना है, वहां से लोन लेना हाँ है. एंड अगर लोन लेकर आपका फाइनेंस मिनिस्टर आता है, उसके ऊपर फूल बरसा जाते हैं. हमारे यहाँ तो जूते मारेंगे फाइनेंस मिनिस्टर को अगर वो बोले कि भी हमें बाहर से लोन लेकर आ रहा हूँ. एंड यू नो, देखिए मेंटेलिटी का कितना फर्क है. एक आपका फाइनेंस मिनिस्टर बाहर जाकर लोन लेकर आ रहा है, या कमिटमेंट भी लेकर आया लोन की, तो उसे फूल बरसाकर एयरपोर्ट पर रिसीव किया जाता है. मैंने ये चीज किसी भी वर्ल्ड में, किसी कंट्री में देखी नहीं है. सो यू नीड टू हैव समथिंग, समबडी सेन जो कंट्री की डायरेक्शन दे सके, उसको डायरेक्शन दे सके. आई एम रेडी टू ऑफर दिस ऑफर टू यू ओनली बिकॉज ऑफ यू.
थैंक यू सो मच सर. बिल्कुल, और मेरा ख्याल है आपसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और पाकिस्तान को, क्योंकि इस तरह से कंट्रीज नहीं चलती, इस तरह से कंट्रीज को रन नहीं किया जाता जो तरीका यहाँ पर बना हुआ है. और एज अ पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में ही रहते हो, उनके हिसाब से मेरा ख्याल है कि यहाँ पे काफी चीजें ठीक होने की जरूरत है. थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया. बहुत शुक्रिया. थैंक यू थैंक जी। यू सर.